आदरणीय श्रोता सब नमस्कार और स्वागत है रेडियो जनकपुर 97 MHz प्रसारित कार्यक्रम अखाड़ा में कोरोना विशेष। ये कार्यक्रम हम सब सब दिन अही समय में अपने सबके समक्ष लक अबै छी और आय 2077 साल बैसाख 24 गते बुध दिन अहिना अपने के मई 6 तारीख 2020 और आय हम सब जैसे जे जानकी मंदिर के विवाह पंचमी रामनवमी से लक वर्ष भर के खेवा खर्चा जोड़ वाला जे भारतीय निवासी पवन चौधरी छी छथि हुनका संगे हम सब जैसे टेलीफोन वार्ता करे जा रहल छी और ई वार्ता से की बात अबै है से अपने सबके संदर्भ जे है से रख बेटा करब। पवन सर नमस्कार, हम रेडियो जनकपुर 97 MHz से शीतल शाह बोल रहे हैं। सर आपसे कुछ जानकी मंदिर के सवाल में कुछ बात करनी है। जी जी सर। सर कैसे हैं? सर आप लोग कैसे हैं? हम लोग भी आप लोग के कृपा से जानकी जी की दया से ठीक हूँ। लॉकडाउन में कैसा चल रहा है सर? हमारा महाराष्ट्र में तो थोड़ा महाराष्ट्र मुंबई में रहते हैं, यहाँ थोड़ा विकराल रूप है, यहाँ बहुत विशेष है। यहाँ तो हम जहाँ हैं वहाँ चारों तरफ है, हम लोग एकदम घर में 24 घंटा बंद रहते हैं। अच्छा, हम दिन में बहुत बार ट्राई किए थे सर आपको, तो हम लोग जनकपुर वासी बहुत जोश और सम्मान करने वाले हैं आपको। जनकपुर में इतना आप योगदान करते हैं, हम लोग सम्मान नहीं कर पाते हैं। ये आपको विवाह पंचमी में मोटा मोटी आप कितना मदद करते हैं जानकी मंदिर को? देखिए, विवाह पंचमी हमारी सबसे बड़ा उत्सव है। हाँ हाँ, अभी जो महल सरकार है वो हमारे भगवान समान है। हाँ, तो मैं कभी काउंट नहीं करता हूँ, लेकिन इंडियन 80 लाख प्लस ही होता होगा खर्चा। इस बार थोड़ा भंडारा कम हुआ था। हाँ हाँ, इस बार 60 लाख 65 लाख खर्चा हुआ इंडियन। मैं इंडियन का बात बताऊंगा। हाँ हाँ हाँ, इंडियन बताइए जी। तो मैं हर साल और जानकी नवमी में मतलब 6-8 लाख रुपया 10 लाख के अंदर इंडियन खर्चा होता है, क्योंकि जानकी नवमी उतना बड़ा नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, और विवाह पंचमी में क्या होता है सर, जो बम्बई जैसे शहर में हम सारे सामान खरीदते हैं, उसमें मतलब अलग अलग सब किए वस्त्र, इतनी छोटी छोटी चीज होता है जो आपको दिखने में नहीं आएगा, लेकिन पैसा लाखों में खर्चा होता है। अच्छा अच्छा, हमारे गुरुदेव थे इंजीनियर साहब के नाम से थे, जो महल सरकार के भी काका गुरु थे, वो हमारे गुरु थे, वही हमें यहाँ तक देख गए थे जो जानकी महल की सेवा करना। और सरकार के लिए मैं हर एक सेवा करता हूँ, देखे होंगे आप, हमने गाड़ी उनको नहीं था तो गाड़ी दिया, से कई चीज मतलब बहुत सारी चीज है जो हम देते तेरा पे हर गाड़ी। बीच में 6-8 महीना आप लोगों को थोड़ा सा हड़ताल हो गया था, उसमें पूरा अनाज आ रहा था इंडिया से, हम ही भेजते थे। अच्छा, अभी भी गैस सिलेंडर वहाँ पे राम कुमार करके है जो गैस एजेंसी वाला है, साल को 4-5 लाख रुपया तो उसको गैस का देना पड़ता है मुझे। अच्छा, गैस का भी आप ही देते हैं? मतलब मैक्सिमम माल का मैक्सिमम सब कुछ हम देखते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप ये जनकपुर आते हैं ना? हाँ, विवाह पंचमी में भी आते हैं, जानकी नवमी में भी आते हैं, बीच में थोड़ा कभी फुर्सत मिल गया तो आ गए, नहीं तो ये दो उत्सव में हम आते हैं। क्या होता है जो मेरा सत्संग होता है बरसाने वृंदावन, नाम सुने होंगे इंडिया में। जी जी, हाँ, तो मैं सत्संग के लिए ज्यादा वहाँ चला जाता हूँ, इसीलिए जानकी मंदिर बहुत नहीं है, बम्बई से थोड़ा लंबा हो जाता है। तो जब जब मैं मिथिला इंडिया जाता हूँ तो मिथिला में जाता हूँ तो जनकपुर जाता हूँ, बाकी ये दो उत्सव मेरे फिक्स है। अच्छा, ये दो उत्सव में हम जाते हैं, बाकी जो भी कुछ जरूरत गुरु जी को लगा तो वो तुरंत हमारे दरवाजा से आ जाते हैं जानकी महल। नहीं, ये तो आपका बहुत गुण गाते हैं गुरुजी। गुरुजी ने हमको फोन नंबर दिए थे और हम दिन में ट्राई किए थे, गुरुजी भी आपको फोन किए 2-3 बार, शायद आपको फोन नहीं लगा। सर आज क्या था, द्वादशी का एकादशी का प्रात था, मैंने खाना खाया ऐसे सो गया। अच्छा, तो अब कब आएंगे जनकपुर? अभी तो लॉकडाउन खत्म होता है, जानकी नवमी उत्सव में आपके तो आना नहीं हुआ, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा रास्ता फ्री होगा प्लेन तो मैं आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो आइएगा तो जरूर हमको याद कीजिएगा, हम भी आपको थोड़ा सम्मान करना चाहते हैं। हम लोग भी मीडिया से हैं, मीडिया से हैं, रेडियो जनकपुर हमारा सबसे पुराना FM है यहाँ पर, और अपना मतलब यूट्यूब चैनल भी चलता है। आपको आपके बारे में सुन के हम बहुत खुशी हुआ, और इस बार जानकी नवमी में कितना दिए खर्च भेज पाए कि नहीं भेज पाए? इस साल मैंने कुछ नहीं कर पाया,
सारे सामान यहाँ पड़ा हुआ है, खरीदा हुआ। अच्छा अच्छा, मैं खरीदी थोड़ा पहले ही कर लेता हूँ। तो इस बार कपड़ा ये सब छाता आता सब खरीद हो गया था, लेकिन सबका सब वही दुकान में ही पड़ा हुआ है। अच्छा, आ नहीं पाया मेरे पास। और यहाँ तो पूरा एकदम लॉकडाउन है, कुछ भी कहीं कोई जा सकता है। सो तो है। तो इस बार मैंने कुछ नहीं कर पाया, गुरु जी को कुछ नहीं अभी तक सेवा मैंने दे पाया अपने तरफ से। गुरु जी से आज बात हुआ है कि नहीं? हाँ अभी हुआ ना, अभी हुआ। मैंने लैंडलाइन पे फोन किया था, जब मैं उठा तो जानकी मंदिर का, जब ही मैं नेपाल का फोन देखता हूँ तो मेरा एकदम ये हो जाता, हमारे गुरुजी थोड़ा बूढ़ा हो गया है ना। हाँ। मन ऐसा होने लगता है कुछ हो न गया, कुछ कैसे हम बेचैन होने लगता है, इसीलिए तो मैं तुरंत फोन किया वहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, वो बीमार रहते हैं तो हमारा ध्यान हर घड़ी एकदम उनके ऊपर अटका रहता है। जी जी। अच्छा, जो रकम बोले हैं वो सब इंडियन करेंसी में, मतलब प्रत्येक साल जो है 60-70-80 लाख के करीब में आईसी करेंसी आपको लग जाता है ना? मैं जो भी बोल रहा हूँ इंडियन, मैं 17 लाख मुझे सिर्फ दक्षिणा उतना लुटाने उड़ाने में लगता है। अच्छा, पंकज नाम करके मिठाई की दुकान करता है। अभी भी मैं उसको 7 लाख इंडियन दिया हूँ, उससे मैं नेपाली लिया था। विवाह पंचमी वो होता है ना, कुछ छोटे छोटे लोगों को 150 नेपाली देने का। जी जी। तो 15-17 लाख मुझे लगता है नेपाली जो पंकज हमको देता है उसको मैं इंडिया में, उनकी जीजा जी है हैदराबाद में रहते हैं, मैं उनको दे देता हूँ। अच्छा अच्छा, तो 17 लाख करीब मतलब विवाह पंचमी में आपको नगद मतलब दान किए वो लुटाए? हाँ, वो क्या होता है ना, उत्सव के टाइम में जब विवाह होता है तो लोग रुपया फेंकता है ना। जी जी। हाँ, उस सब में लग जाता है 12-13 लाख, और छोटे छोटे जो आते मिस्टर ये वो सब, तो कुल मिला के इस बार हमको 17 लाख ही नेपाली लगा। जो पंकज ने उसका मुझे 7 या 8 लाख रुपया दिया। अच्छा। जो इंडियन हुआ तो मैंने उनका जीजा जी को हैदराबाद में दे दिया। अच्छा अच्छा। मैं जो भी करेंसी बताऊंगा सब इंडियन बताऊंगा, मैं सब इंडिया में खरीद करता हूँ, इसीलिए इंडियन ही मुझे है मेरे पास। अच्छा, इस बार विवाह पंचमी में एग्जैक्ट आपको कितना खर्चा, वो तो वहाँ का तो जितना सारा सामान और जो सब खर्चा लगता है वो सारा आप ही देते हैं सब कुछ? देखिए, गाने वाला मेरा ही होता है, लाइट वाला मेरा ही होता है, साउंड वाला मेरा ही होता है, टेंट वाला मेरा ही होता है, फूल वाला मेरा ही होता है, पूरे वस्त्र जो विदाई होता है वो मेरा होता है। तो मतलब जानकी मंदिर के अंदर में जी जी 12 बीघा में होता है, वहाँ पे वस्त्र वगैरह हमारा ही जाता है सामान। हाँ, लेकिन वो पेंट वेंट सब लगाता है रोशन भाई, वो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं रहता है। अच्छा। हाँ, लेकिन जानकी मंदिर के अंदर में जितने भी होते उत्सव, जानकी जी का उत्सव जो होता है, क्योंकि रोशन भाई जो करता है, कभी राष्ट्रपति बुलाता है, कभी इंडिया का मुख्यमंत्री बुलाता है, यही तो करता है वो। हाँ, लेकिन जानकी मंदिर के विवाह इस बार हमारे हिसाब से 70 लाख रुपया इंडियन खर्चा हुआ होगा। अच्छा, 70 लाख। हाँ, क्योंकि इस बार भंडारा कम हुआ, भंडारा कम हुआ। जो बाहर उससे अगले साल कितना हुआ था? अगले साल 1,10,00,000 रुपए खर्चा हुआ था, भंडारा में बहुत खर्चा हुआ था। अच्छा। मैंने भंडारा में लगभग 20 लाख 17-18 लाख लोग को खिलाया था। अच्छा। हाँ, कंटिन्यू हमारा भंडारा बाहर में चल रहा था, इस बार गुरु जी ने बोला जो उद्घाटन नहीं हुआ इसीलिए अंदर नहीं कर लो। इस बार मैंने 4.5 लाख का चावल बासमती लिया। कौन सा एक जगह पे मिल है वहीं पे, और वहीं डाल लिया, बाकी सब इंडिया से गया था। अच्छा अच्छा। क्या होता है सर, कई ऐसे विदाई की चीज होते हैं श्री जी की, जो बहुत महंगी होती है, लेकिन दिखने में नहीं लगता है लोगों को कि ये खर्चा हुआ होगा, लेकिन जो खरीदता है उसको एक सिंगार पे डाल चला जाता है 1.5 लाख के ऊपर में, जो चूड़ी उड़ी ये सिंदूर ये सब जो खरीदा जाता है। जी जी। क्योंकि हम जैसे एक लड़की का होता है बजाते ऐसे करते हैं विवाह पंचमी। अच्छा। जैसे हम लोग अपने घर में करते होंगे, हर एक चीज की जरूरत पड़ता है, वैसे ही हम एक एक चीज करते हैं। आप कभी विवाह पंचमी आइएगा तो मैं अपने भंडार दिखाऊंगा, इसमें ये है इसमें ये है। हाँ जी जी। नहीं, वो बोले हैं हमको गुरु जी, बहुत वर्णन किए हैं आपके बारे में, इसलिए हमको आपसे। जी जी। गुरु जी हमको डांटता रहता है, तू डवा बचाओ, तू क्यों खर्चा कर रहा, लेकिन हमारा ये मकसद नहीं है। हम ये मकसद है हमारे गुरु जी, हम हर चीज से प्रसन्न हो, जो थोड़ा बूढ़े भी हो गए तो ये लोग हमारे लिए पूरे कम्प्लीट काम कर रहे हैं। हाँ। हम जो भी कुछ करते हैं अपने गुरु जी के लिए ही करते हैं, हमारे लिए एकदम बहुत बड़ा है।
आप लोग ऐसे ही हमें जगह देते रहे, हम हर साल आके उत्तर करते रहेंगे जी। ठीक है बाबा, फिर हम लोग बात करेंगे निरंतर, और लेकिन नेपाल आइएगा तो जरूर जरूर मिलेंगे। ठीक है जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दैत, आज कार्यक्रम अहिठाम विश्राम दैत हम अपने के विदा चाहे छी। और अहिना अपने सबके कोनो जिज्ञासा होय, कोनो बात होय, तो हमरा सके फोन नंबर मैसेज सेहो कर सके छी अपने 9807151112 में।